जैन साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मूर्ति लगी हुई है भोलेनाथ की, और भोलेनाथ की मूर्ति के नीचे कोबरा महाराज बैठे हैं। चलिए पकड़ के लाते हैं उनको, दिखाते हैं। फिर महाराज जी जूते उतार देते हैं, मंदिर है भोले शंकर का, जूते यही उतार के और एक बार दिखा दीजिए। जय हो भोले चलिए पकड़ने की कोशिश करते, पकड़ते हैं महाराज जी को। ये देखिए बैठे महाराज जी, जय भोलेगी। आइए महाराज जी आइए, जय भोलेगी। तो साथियों वीडियो देखने कोशिश ना करें, ये बहुत ही खतरनाक भोले बाबा का जो है भक्त। जय भोलेगी। डब्बा दीजिए, डब्बा यहीं पर कर लेते, डब्बा दीजिए, डब्बा खोल के दे दो, खोल के खोल देते। अरे खोल ला भी रहे, ला भी रहे, फिर फिर इसमें तो तेल बहुत लगा हुआ है। साफ है बिल्कुल, दे दीजिए, खोल दो, खोल दो। तो साथियों इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये कोबरा है, हिंदी में इसको नाक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्टिकल कोबरा। ये इतना खतरनाक होता है, 40 मिनट में किसी को भी ये मौत की नींद सुला देता है। तो दोस्तों कभी भी सांप बाइट करे सीधे हॉस्पिटल जाए, ट्रीटमेंट ले, मंत्रों के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, समय बर्बाद हो जाएगा आपका। महाराज जी आइए, महाराज जी आइए आइए, जय भोलेगी। चलिए चलिए महाराज, चलिए महाराज जी आइए। महाराज जी गुस्सा नहीं होना, नहीं महाराज जी आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो दीजिए ढक्कन ढक्कन। डर के मारे कोबरा ने पॉटी कर दी, देखिए। तो दोस्तों फिर से कहना चाहता हूँ, वीडियो देख के कॉपी ना करें, ये बहुत खतरनाक सांप है। इसके काटने के बाद हमारे पास 40 मिनट का समय होता है, 40 से 45 मिनट में जान चली जाती है, और अगर हम समय बर्बाद कर देंगे मंत्रों तंत्रों के चक्कर में तो जान चली जाएगी दोस्तों। इसका एक ही इलाज है, खटीमा हॉस्पिटल में जाए, सरकारी हॉस्पिटल में इसका जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और प्रयास हॉस्पिटल में भी है। सबसे सस्ता और सटीक और बढ़िया इलाज हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में शंकर अस्पताल है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही बढ़िया इलाज वहां पर होता है दोस्तों। वहां पर आप कभी भी खटीमा हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में। दोस्तों सावधानी पूर्वक इस कोबरा को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेके चलते हैं। ये भोले बाबा के चरणों में बैठा था, ये मंदिर है, दिखा दीजिए एक बार। जय भोले की, सावन का महीना चल रहा है, एक बार जो है कमेंट में सब लोग जय भोले की जरूर लिखे दोस्तों, मनोकामना पूर्ण होगी और नाग देवता के दर्शन करवाए हैं। ये स्पेक्टिकल कोबरा है दोस्तों, मेल है, नाग है, नर है दोस्तों ये। तो चलिए एक बार इधर से आ जाओ। तो इसको जो है माधे, इसको सुबह अर्ली मॉर्निंग लेके चलते हैं रिलीज करने के लिए। धीरे धीरे एक जगारा हो जाए भोले के नाम का भाई। बम भोले, हाँ जी नाग, इसमें कौन सा भी है। रात को 11 बजे के आसपास जो है हम एक सांप को बेरीघाट रोड पे एक मंदिर के अंदर से रेस्क्यू करके लाए थे दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक कोबरा दोस्तों होता है, और इसको यहाँ पर हम सूरी जंगल का माहौल है यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। चलिए महाराज जी आइए, और इस महाराज जी को यहाँ पर हमने रिलीज कर दिया। ये देखिए महाराज जी, क्या बात है, क्या बात है। महाराज जी बहुत गुस्से में है, ये देखिए इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। आइए आइए, अब आइए
कहाँ बना रहे हो वीडियो आप? अच्छा चलिए महाराज, और पूरे जंगल का माहौल यहाँ पर बेजुबान को हम रिलीज कर देते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाइए। चलिए महाराज आप अपने जंगल की ओर चले जाइए। तो महाराज जी अपने जो है एनवायरनमेंट में चले गए, इसको यहाँ पर पुनर्वास के लिए दोस्तों छोड़ दिया गया है। कमेंट में जय भोले की लिखना ना भूलें दोस्तों।